गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू हिंदी इन क्लास थर्ड। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 3 पढ़ा था, पार्ट 3, जिसका नाम था खेल खेल में। ये कहानी जो है हमने पढ़ ली है। उसके बाद हमने इस कहानी के जो ये जो चैप्टर था इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने पढ़ लिए थे, यानी कॉपी में भी हमने इसके प्रश्न उत्तर कर लिए हैं और इस प्रश्न उत्तर के बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नाम है कठपुतली बनी लड़का। जो कठपुतली होती है वो क्या बन गई, एक लड़का बन गई है। और ये जो कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ ये कहानी पठन हेतु है, सिर्फ पढ़ने के लिए है। इससे किसी भी तरह के प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे, किसी भी तरह के क्वेश्चन आंसर जो है नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ ये पढ़ने के लिए। तो आज की क्लास में हम कठपुतली बनी लड़का ये कहानी पढ़ेंगे। तो जो ये कहानी है एक कठपुतली की है, तो इस चैप्टर को पहले पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कि इस कहानी में क्या दे रखा है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पिनाक्यो एक कठपुतली की कहानी है। तो जो पिनाक्यो है वो क्या है, एक कठपुतली की कहानी है जिसमें कठपुतली का नाम है पिनाक्यो, जिसे जिपेटो ने बनाया था। तो इस कठपुतली जिसका नाम पिनाक्यो है, इसे जिपेटो ने बनाया है। पिनाक्यो अपनी लंबी नाक के लिए प्रसिद्ध है, जो उसके झूठ बोलने पर और भी लंबी हो जाती है। तो जो पिनाक्यो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि जब भी वो झूठ बोलता है तो उसकी जो नाक है वो लंबी होती चली जाती है। वह हमेशा एक सचमुच का लड़का बनना चाहता है। तो जो वो कठपुतली है वो है हमें जो पिनाक्यो, वो हमेशा से एक सचमुच का लड़का बनना चाहता था। आओ पढ़कर जाने कि उसकी इच्छा कैसे पूरी हुई। तो जो उसकी इच्छा थी लड़का बनने की, वो एक कठपुतली था और उसकी इच्छा हमेशा से थी कि वो एक लड़का बने। तो वो इच्छा अब उसकी कैसे पूरी हुई, तो हम इसे कहानी को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसकी इच्छा जो थी वो कैसे किस तरह से पूरी हो गई। तो पिनाक्यो एक पिनाक्यो बहुत शर्मिंदा था। शर्मिंदा यानी उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि उसने अपने पिताजी को बहुत परेशान किया है। तो जो पिनाक्यो था वो इस चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदा था कि उसने अपने पापा को जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया है। उसने अपने पिताजी से वादा किया था कि वह उनकी पूरी देखभाल करेगा क्योंकि वे काफ़ी बीमार और कमज़ोर थे। तो पिनाक्यो ने अपने पिताजी से जो है एक वादा किया था। वादा इसलिए किया था क्योंकि उसके जो पापा थे वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते थे और कमज़ोर थे, यानी उनके शरीर में बहुत कमज़ोरी थी। वैसे पिनाक्यो एक कामचोर लड़का था, पर अपने पिताजी की देखभाल करने में उसने बहुत मेहनत की। तो जो पिनाक्यो है वो एक बहुत ज़्यादा कामचोर लड़का था, पर अपने जो पिताजी थे उसके, जो काफ़ी कमज़ोर थे और उनकी बीमार से रहते थे, तो उसकी देखभाल में जो है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, परिश्रम किया था। उसकी देखभाल से उसके पिता भी जल्दी स्वस्थ हो गए, यानी पिनाक्यो ने अपने पापा की इतनी केयर की, इतनी उनकी देखभाल की कि वो जल्दी स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। कुछ दिनों बाद जब वो अब कपड़े लेने बाजार जा रहा था तो रास्ते में उसे एक घोंगा मिला। अब घोंगा क्या होता है, जो स्नेल होती है उसे हम घोंगा बोलते हैं। उसके ऊपर एक कवच होता है, आपने देखी होगी स्नेल कवच होता है जिसके अंदर वो यदि कोई शिकारी उस पर शिकार कर देता है तो वो उसके अंदर चला जाता है, यानी वो अपने घर को एक तरह से साथ लेकर घूमता है। तो कुछ दिनों के बाद जब वो अपने कपड़े लेने बाजार जा रहा था तो रास्ते में उसे एक घोंगा मिला। पिनाक्यो ने उसे दयालु परी के बारे में पूछा। तो जो पिनाक्यो था उसने उस घोंगे से, उस स्नेल से दयालु परी, अब एक दयालु परी नाम की एक परी थी जिसका नाम था दयालु परी, तब उसको क्या बोलते थे, दयालु परी। तो उसके बारे में जो है पिनाक्यो ने घोंगे से पूछा। घोंगे से यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि जो परी है वो बीमार है। तो परी जो है अब बीमार हो चुकी है। तो उसने कहा, ओह अगर मेरे पास और रुपए होते तो मैं भी देता, पर प्यारे घोंगे अभी मेरे पास केवल 2 शिलिंग है। अब 2 शिलिंग यानी जो ब्रिटेन देश है वहाँ की जो मुद्रा है, वहाँ के पैसे हैं, उनको हम शिलिंग कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर पैसे को रुपया कहते हैं, हमारी जो भारतीय मुद्रा है उसे हम रुपये कहकर बुलाते हैं। जो ब्रिटेन देश है वहाँ के लोगों के लिए जो उनकी मुद्रा है, जो उनकी करेंसी है, उसको लोग क्या बोलते हैं, वहाँ के लोग शिलिंग बोलते हैं। तो जो इस एक तरह से जो कहानी है वो कहाँ की, ब्रिटेन देश की है। तो पिनाक्यो ने बोला है कि ओ अगर मेरे पास और रुपये होते और मैं और भी दे देता प्यारे घोंगे, अभी मेरे पास केवल 2 शिलिंग है जिनसे मैं अपने कपड़े लेने जा रहा था। तो उसके पास 2 शिलिंग है, उनसे पिनाक्यो क्या करेगा, अपने कपड़े लेगा। अब तुम ये 2 शिलिंग लो और दयालु परी को दे देना। तो जो पिनाक्यो था अब उसने जो है कपड़े लाने का विचार तो छोड़ दिया और उसके पास जो 2 शिलिंग थे उसने घोंगे को दे दिए।
और उससे कहा कि तुम दयालु परी को दे देना। पिनाक्यो ने दुखी होते हुए कहा, घोंगा पैसा लेकर चला गया। तो उसने दुखी होते हुए पैसे दे दिए, क्योंकि दयालु परी जो थी वो बीमार थी और जो घोंगा था वो पिनाक्यो से पैसे लेकर चला गया। पिनाक्यो भी वहां से घर चला गया। जब पिताजी ने उससे नए कपड़ों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे बाजार में कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आया। तो जो पिनाक्यो था उसने जो क्या किया, घर जाकर झूठ बोल दिया कि मैं तो कपड़े नहीं ले लाया हूँ, क्योंकि मुझे कपड़ा बाजार में कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आया है। क्योंकि उसके पिताजी ने उससे पूछा था कि तुम कपड़े क्यों नहीं लेकर आए, तुम तो बाजार गए थे कपड़े लाने। पर उसने झूठ बोल दिया, क्योंकि उसने तो रानी पर दयालु परी के लिए जो है पैसे दे दिए थे। उस दिन पिनाक्यो रात 10 बजे तक काम करने की बजाय आधी रात तक काम करता रहा। जहां वो प्रतिदिन 8 टोकरियां बनाता था, आज उसने 16 टोकरियां बनाई, जिसके बाद वह सो गया। अब जो पिनाक्यो है वो क्या कर रहा है कि उसने क्या किया कि वो पहले 10 बजे तक ही काम करता था, पर अब वो आधी रात तक काम करता है और टोकरियां बनाता है। टोकरियों का मतलब आप समझ गए, जिसमें हम घर में कुछ सामान रखते हैं, सब्जी रखते हैं, उसे हम टोकरियां बोलते हैं। और किससे बनती है, बांस से, इस तरह से। तो जो पिनाक्यो है आज उसने 8 की जगह उसने 16 जो है टोकरियां बनाई है, और टोकरियां बनाने के बाद वह सो गया। सोते हुए उसने सपने में दयालु परी को देखा। अब जो पिनाक्यो है उसके सपने में दयालु परी उसको दिख रही है। वह मुस्कुराते हुए कह रही थी, मैंने तुम्हारी पिछली सभी गलतियां माफ कर दी। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं वे हमेशा मेरा प्यार और तारीफ पाते हैं। तो दयालु परी जो है वो पिनाक्यो से कह रही है कि मैंने जो तुमने पहले भी जो भी गलतियां की थी, मैंने उन सभी गलतियों को जो है तुम माफ कर दिया है। और जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं यानी उनका ध्यान रखते हैं, और तो मैं उन्हें हमेशा प्यार और तुम्हें हमेशा क्या करते हैं, वे हमेशा प्यार और तारीफ यानी प्रशंसा को पाते हैं। जब सपना टूटा तो उसकी नींद भी खुल गई। तो पिनाक्यो का सपना टूट गया है जिसमें दयालु परी आई थी, और उसने क्या था कि उसने जो है पिनाक्यो की सारी गलतियों को माफ कर दिया है, और ये भी कहा था कि जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हुए हमेशा प्यार और प्रशंसा पाते हैं। अब पिनाक्यो की नींद भी खुल गई और सपना भी टूट गया। वह आश्चर्यचकित रह गया यानी हैरान रह गया था। अब वह कठपुतली नहीं था। तो पिनाक्यो अभी तक यानी कल तक तो वो था कठपुतली, पर आज वो इसलिए आश्चर्यचकित है, इसलिए हैरान है, क्योंकि आज वो कठपुतली नहीं था यानी अब वो एक सचमुच का लड़का बन चुका था। झोपड़ी की बजाय वह एक सुंदर घर में एक कमरे में था। तो जो पिनाक्यो जो अब तक एक कठपुतली था, सपना खुलने के बाद, सपना टूटने के बाद, नींद से उठने के बाद वो एक कठपुतली से एक लड़का बन गया है। अब झोपड़ी में ना रहकर वो एक सुंदर से कमरे में, घर के कमरे में रह रहा है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको ये पिनाक्यो दिख रहा है, कठपुतली दिख रही है, ये देखिए एक लकड़ी की कठपुतली बनी हुई दिख रही है आपको। ये जो है पिनाक्यो, ये आपको एक लड़का नहीं दिखेगा, अभी आपको ये कठपुतली दिख रहा है, और ये रहा घोंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर ये कवच होता है और ये इसके अंदर ही रहता है। ये था घोंगा जिसको उसने 2 शिलिंग दिए थे। अब आगे पढ़ते हैं। उसके पलंग पर उसके लिए एक सुंदर सूट और टोपी रखी थी। तो पिनाक्यो के लिए अब क्या है, जो एक लड़का बन चुका है, अब उसके पलंग पर एक सुंदर सा सूट रखा था पहनने के लिए और एक टोपी रखी थी। पलंग के पास जूते रखे थे। उसने वह सुंदर सूट और जूते पहने। अब उसने जेब में हाथ डाला तो उसे एक पर्चा मिला। तो जो सूट उसने पहना था उसी की जेब में एक पर्चा पड़ा था, एक लेटर पड़ा था, जिस पर लिखा था, परी ने पिनाक्यो के 2 शिलोंग लौटा दिए, उसके परोपकारी स्वभाव के लिए उसका धन्यवाद। तो परी जो थी दयालु परी, उसने जो है पिनाक्यो के 2 शिलिंग भी लौटा दिए, उसे लड़का भी बना दिया, और ये भी कहा कि उसके परोपकारी जो स्वभाव, यानी उसने अपने 2 शिलोंग ही थे उसके पास, उसने 2 शिलोंग भी दे दिए, तो उसका परोपकारी स्वभाव हुआ। तो उसके लिए जो है रानी दयालु परी ने उसको जो है धन्यवाद भी कहा यानी थैंक यू कहा। वह खुशी से दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आया, जो काफी खुश व स्वस्थ दिख रहे थे। फिर है, पिताजी ने कहा, देखा पिनाक्यो, जो बच्चे शरारतें छोड़कर अच्छे बन जाते हैं उनसे उनका परिवार भी खुश रहने लगता है। तो पिनाक्यो के पिताजी कह रहे कि जो बच्चे शरारतें छोड़कर अच्छे बन जाते हैं, एकदम अच्छे बच्चे बन जाते हैं, उनका परिवार भी उनसे खुश रहने लगता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे मस्ती करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो उनके परिवार वाले भी उनसे परेशान हो जाते हैं। पर यदि वे ही बच्चे अच्छे से काम करें, अपने माता पिता का, बड़ों का कहना माने, तो वे अपने घर में सबसे प्रिय बन जाते हैं। तो वैसे इसके पिनाक्यो के पिताजी भी कह रहे हैं कि देखा पिनाक्यो, जो बच्चे शरारतें छोड़कर अच्छे बन जाते हैं उनसे उनका परिवार भी खुश रहने लगता है।
पर पिताजी पुराना पिनाक्यो कहाँ गया? पुराना पिनाक्यो यानी जो कठपुतली था वो पिनाक्यो कहाँ गया? उसने पूछा, यह रहा कुर्सी पर, तो देखे ये जो पिनाक्यो है वो लड़का बन गया है, और ये जो पिनाक्यो जो अब पहले कठपुतली था वो कहाँ गया है? वो अब कठपुतली है, पर ये जो पिनाक्यो है वो लड़का बन गया है। तो उसने पूछा कि पिताजी जो पुराना पिनाक्यो था, जो कठपुतली वाला पिनाक्यो था, वो कहाँ गया? तो उसके पिताजी बोलते हैं, यह रहा कुर्सी पर। पिताजी ने कुर्सी पर रखी कठपुतली दिखाते हुए कहा। उसे देखकर पिनाक्यो ने खुद से ही कहा, जब मैं कठपुतली था तब कितना बुरा था, यह सचमुच का एक लड़का बनकर मैं कितना खुश हो गया हूँ। जो पिनाक्यो था पहले वो एक कठपुतली था, और जब उसने उस कठपुतली को देखा कि ये कितनी गंदा लगता है, कितना बुरा लगता है, मैं देखने में कितना बुरा लगता था, पर अब मैं जब सचमुच का एक लड़का बनकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। और साभार यानी ये जो कहानी लिखी गई ली गई है वो पिनाक्यो से ही ली गई है, यानी पिनाक्यो नाम की एक बुक है, वहां से इस कहानी को लिया गया है। तो ये हमारी कहानी थी कि कठपुतली बनी लड़का, कि एक जो कठपुतली होती है वो लड़का किस तरह से बनती है। अब पिनाक्यो कठपुतली होता है जो कि झूठ बोलता है, तब उसकी जो नाक होती है और लंबी हो जाती है, पर उसका एक सपना होता है कि वो किस तरह से एक लड़का बन जाए। तो वो एक दिन क्या होता है, कपड़े लेने जा रहा होता है और उसको रास्ते में एक घोंगा मिलता है, जिसको वो उससे उसे पता चलता है कि जो दयालु परी है वो बीमार है। तो उसके लिए जो उसके पास 2 शिलिंग होते हैं वो उस घोंगे को दे देता है, और फिर रात को आकर जो है और टोकरियाँ बनाता है और फिर सो जाता है। तो सपने में दयालु परी आती है, तो वो उसको क्या करती है, उसको थैंक यू बोलती है, और ये बोलती है कि तुमने ना इतना अच्छे मेरे को 2 वो दिए, शिलोंग दिए, ऐसा कुछ कहती है। उसके बाद जब वो सुबह उठता है तो क्या होता है, और ये भी बोलती है उसको कहना, जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं वो हमेशा प्यार और प्रशंसा पाते हैं। फिर उसके बाद जब वो सुबह नींद उसकी खुलती है तो वो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो लड़का बन जाता है, और झोपड़ी की बजाय एक सुंदर से कमरे में, घर के एक कमरे में रहता है। उसको एक अच्छा सा सूट मिलता है, टोपी मिलती है और जूते पहनने को मिलते हैं। और जब वो अपनी उसी सूट में से जेब में से एक पर्चा निकालता है, तो जो दयालु परी होती है उन्होंने उसे थैंक यू बोला होता है 2 शिलिंग के लिए। उसके बाद वो अपने पापा से कहता है कि जब मैं लड़का कठपुतली था तो कितना बुरा लगता था। तो उसके पापा भी बोलते हैं कि जो बच्चे अपने माता पिता का सेवा करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वे बहुत ही, जैसे ये लिखा हुआ है कि अच्छे बन जाते हैं, तो उनका परिवार भी उनसे खुश रहने लगता है। तो पिनाक्यो के पिताजी ने कहा था कि जो बच्चे शरारतें छोड़कर अच्छे बन जाते हैं वे परिवार से खुश है, जो परिवार के लोग हैं उनसे खुश रहने लगते हैं। तो ये कहानी थी जिसका शीर्षक था कठपुतली बना लड़का, कठपुतली बनी लड़का। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जो है याद समझ आ गई होगी, और आपको पढ़ने में अच्छी भी लगी होगी, और आप इस कहानी के सीख को याद भी रखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसी के साथ जो हमारा पार्ट 3 था वो पूरा हो गया है, खेल खेल में वो तो पहले ही हो गया था, उसके साथ एक कहानी दे रखी थी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो चैप्टर है, यानी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, उसके बारे में हम उससे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।